My name is Paul Savio. I'm from Bangalore and I run a mobile accessories business based out of Gurgaon. My name is Khalid Ghulam Mohammed. मैं कारगिल लद्दाख से आया हूँ. मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और कारगिल में एक होटल चलाता हूँ. मेरा नाम जमाल किदवाई है और बुनकरों के साथ काम करती है, हैंडलूम वीवर्स के साथ. उनके साथ एक छोटी सी बिजनेस करता हूँ. मेरा नाम सुहानी मोहन है और मैं मुंबई से हूँ. मेरी कंपनी सरल डिज़ाइंस में हम सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की मशीन्स बनाते हैं. मेरा नाम जैनसलीन मैरी पोंगरोप है और मैं शिलोंग मेघालय से आई हूँ. सो आई रन अ फैशन हाउस. मेरा नाम आलोक मेहता है और मेरी फैक्ट्री है जेपी ऑटोमोटिव्स फरीदाबाद के अंदर. मैं संजय पटवर्धन इंदौर से आया हूँ. हम लोग सोलर एनर्जी में एयर कंडीशनर्स बनाते हैं और रूफ टॉप प्रोडक्ट्स बनाते हैं. नमस्कार. नमस्कार. हेलो. आई एम वेल. हेलो. हाउ आर यू? गुड टू सी यू इन पर्सन सर. या गुड टू सी इन पर्सन. आई थिंक यू आर मच फेयरर. आई एम मच फेयरर. आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर, हम लोग को जो अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एमएसएमईज में जो वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक डिपार्टमेंट तो अलग बना दिया, मिनिस्ट्री बना दिया, पर आपने सिंगल विंडो का भी कॉन्सेप्ट लिया है. दिक्कत क्या हो रही है कि मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशंस वहाँ से बहुत सारी जगह जाती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्रूवल्स के लिए, और वहाँ परेशानी ये है कि उसको अप्रूव कराने के लिए मेरे को ही पुश करना पड़ता है. मतलब वन विंडो, वन विंडो, उसके पीछे दरवाजे हैं. जी बिल्कुल सही. दरवाजे बंद पड़े. मैं आपसे ये चाह रहा था कि सिंगल पॉइंट पे सारे रूल्स रेगुलेशंस जो छोटी कंपनियों के लिए हैं, एमएसएमईज के लिए, वो ले आएँ तो वो वहीं उसी जगह पे सब चीज़ अप्रूवल मिल जाए, तो हमको 25 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Always, there's always a new rule, you know, every 3 to 4 months. It's getting difficult for us also to keep complying to them. So do you think that GST in its current form is a tax on small business? Yeah, it helps big business. It's a burden, sir. But it's a burden for small business. It's a very big burden. See, the burden is basically in the way it's been structured. It's just that the implementation has been so bad. So I'm a small business. I'm in electronics. I have 100 vendors. If I need to get my tax input, which is the primary core of GST, right? I need to ensure that all the people who are my vendors have also paid their GST. Now that policing has become my responsibility. And that adds an extra load for me. Do I do business or do I go off the compliance? हम एम टू एम हैं, मैनेजर भी हैं, मालिक भी हैं और लेबर भी हैं. तो हमारे को दिक्कत ये हो रही है कि हम अपने प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे ध्यान दें कि आपके रूल रेगुलेशन को कंटिन्यूस कंप्लायंस में, और उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि छोटी इंडस्ट्री जो है कि हम श्रिंक होते जा रहे हैं, वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में पूरा आपका फंड और इकोनॉमी शिफ्ट होती चली जा रही है. और वो हमारा जो वापस मिलना होता है जीएसटी, वो अभी तक नहीं मिला. एक साल हो गया. तो हम तो छोटे बिजनेस हैं, हम अपनी जेब से दे रहे हैं. बट यू आर सेइंग दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफिकेशन. एंड जैसे कुछ डिसीजंस बहुत हेस्ट में लिए गए थे, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स पे जीएसटी जीरो कर दिया गया है, पर उन पे जो इनपुट क्रेडिट मिलता है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अभी कोई रिबेट नहीं मिलता इनपुट क्रेडिट पे. सो एज अ मैन्युफैक्चरर इन इंडिया हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है और चाइना से खरीद के लाना ज़्यादा सस्ता हो रहा है, क्योंकि पैड पे जीएसटी जीरो है पर रॉ मटेरियल पे 18% है. तो पहले उसका बेनिफिट मिलता था, अभी वो क्लेम भी नहीं कर सकते. सो ये बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया विदाउट लाइक कंसल्टिंग लाइक अ लॉट ऑफ सेक्टर. मतलब मेजर फ्लॉ है जीएसटी के अंदर. सपोज मेरे किसी सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं किया और वो जीएसटी खा गया या कुछ भी कर गया, तो उसकी पेनल्टी सर मुझे है, वेयर एज डायरेक्टली ही शुड बी पनिश्ड. सर, अभी इसमें एक और दिक्कत ये भी है जीएसटी में. जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ, आपको 10,000 से ऊपर का सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना है. अब देखिए सर, हमारे यहाँ पे कभी कभी तो 2-2 महीने तक इंटरनेट नहीं चलता, तो उस हालत में इंसान कहाँ से रिटर्न भरेगा? नेचुरली डिफॉल्ट में आ जाता है, फिर नोटिसेस आने लगते हैं. पीपल से दैट द इनिशियल शॉक ऑफ जीएसटी जो था वो बहुत डेवस्टेटिंग था, मगर अब थोड़ा कम हुआ है. दैट इज नॉट योर फीलिंग, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट्स पोजीशन इज. आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या मतलब चाहते हैं कि जीएसटी को रिविजिट करना है या इसको नहीं रिविजिट करके इसको सिंप्लीफाई? एंड सिंप्लीफिकेशन ऑन नंबर ऑफ टैक्स ब्रैकेट, सिंप्लीफिकेशन ऑन प्रोसीजर्स. व्हाट डू आई नीड? आई नीड मनी इन हैंड टू रन माय बिजनेस. सो व्हाट कैन यू चेंज इन जीएसटी टू एंश्योर दैट आई स्टिल हैव मनी इन हैंड?
fines, all those things, you know, when capital gets locked, your reimbursement comes much later. Those things, that is the thing we have to change. Whether it's 4 slabs or 10 slabs or 2 slabs, that we can still work around. But we cannot work around the fact that you take away my money and you keep it with you and you give it to me 18 months later. And hum sabka matlab personal objective ye karne ka ye bhi hai ki matlab we could have taken other jobs and done something multinational mein ja sakte the. All of us come from some sort of qualification. But what is your qualification? I am from IIT Bombay. I'm an engineer. So mere liye objective yahi tha ki hum local businesses promote kar sake aur wo objective se hum aate hain optimism ke sath. And when we get into it, there are so many complications that going back to your roots also, right? Yeah. Discovering your own place, your own country, your own state. Yeah. Bunkar community hai wo Hindustan mein agricultural workers ke baad sabse badi community hai. ये जो GST और ये सब जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इससे इन पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है. रॉ मटेरियल जो है बुनकरों के लिए, कि वो ज़्यादातर चाइना से आ रहा है. हमारी जो एक तो वीविंग है, मगर वीविंग के जो सपोर्टिंग, चाहे वो आपका स्पिनिंग हो या सिल्क इंडस्ट्री हो, वो सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो सारी इम्पोर्ट चाइना से होता है, सस्ता आता है. फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, आपके परस्पेक्टिव से, हाउ डू वी कम्पीट विद चाइना? Yes. That is what in the back of my mind. Yes. I mean, because frankly, we are the only people who can do it. Yes. Yeah. Nobody else can do it. Yeah. And there's a huge amount of wealth and benefit that can be made if we do it successfully. If you give me a phased plan, then I, whose intent is to survive in this industry and not just to make money for today, will plan accordingly. And I will get there. In 5 years, I will be a manufacturing powerhouse. So if we think in terms of a long-term thing as a employment generation scheme, which is viable, it's not charity. एक loom अगर चल रहा है तो एक loom जो है वो करीब 14 लोगों को employment देता है. It will provide mass scale employment. It will also provide cotton growers. Because half the time my weavers are saying, what do I weave when there's no market? There's no market. मैं इनके handloom के लिए सर आपको simple बताता हूँ. स्कूल में जो बच्चे हैं उनको खादी के यूनिफॉर्म नहीं दे सकते अपन? हैंड वोवन आप बोलिए सारे बच्चों को आपका खादी पहनना कितना बढ़िया हो जाएगा, कंफर्टेबल. टू आस्क प्लेसेस वेयर योर गवर्नमेंट इज टू बाय स्टफ फ्रॉम द वीवर्स हैंड वोवन. या लेट्स डू इट. Let's try and do it. Let's see if we can surprise one of them. Hello. Kamal. Yeah. I'm on speakerphone. We are six, seven of us, small and medium businesses from all over India. One of them is from Madhya Pradesh. He had a suggestion for you. I said, listen, tell the Chief Minister yourself. Sir, मैं चाह रहा था कि जो अपने हैंडलूम्स के लिए जो बातें चल रही हैं, उसमें जो खादी का कपड़ा बना रहे हैं, अगर अपन स्कूल के बच्चों के लिए एटलीस्ट बिगनिंग में अपने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें अगर अपन आदेश कर सकें तो शायद करना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सर. नहीं, मैं तो प्रमोट करना चाहता हूँ हैंडलूम और हैंडिंग का. जी सर, मैं प्रमोट करना चाहता हूँ. जी जी. तो ये तो हमने नीति बनाई हुई, आज अभी मैं बैठा हूँ, अभी जो आप प्रमोट कर रहे हैं, ये 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे सर. जी सर, बिल्कुल मिलता हूँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू. सो यू फील दैट यू कैन एक्चुअली टेक ऑन Chinese manufacturing if the rule structure is incentivized. आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, बंद कर दीजिए. स्मार्ट विलेजेस बनाइए. और स्मार्टनेस उसमें वो रहे कि उस गांव का जो परिवेश है, जो भी उनकी सिस्टम है, उसी में बनाए. नहीं तो आप अमेरिका, US और बाहर से ला के और वो वहाँ करने जाएंगे तो हमारी ख़त्म कर दें. अगेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू नो डिजिटल इंडिया एंड एवरीथिंग. यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल सेक्टर. नाउ यू गो टू फाइल एनीथिंग, दे से प्लीज फाइल ऑनलाइन, प्लीज फाइल ऑनलाइन ऑनलाइन. Yeah, it's not there. I mean, the half the time the website is down, the other half, like we say, we don't have accessibility. And I'm sorry, but then you need to visit Northeast to understand really also the rural sector. You know, leave alone a basic phone. You're talking about having smartphones and digitalizing India and, you know, using the banks for all your financial transactions. So I don't know how to pay my weavers now because they need cash in hand. For them to go to the bank, it's really difficult, and to withdraw 500 rupees if they're going to spend 200. It's just 300 in hand. Young entrepreneur के लिए कोई मतलब startup के लिए कोई incentive नहीं है, जो कि पहले बहुत हुआ करते थे. 92 के अंदर मैंने factory start किया था, तो उस समय I'll tell you तो government schemes क्या क्या, government की schemes क्या क्या, government की तरफ से मतलब हमें incentives मिलते थे. हमें capital subsidy मिली सर plant पे लगाने के लिए. हमें 9 years का sales tax exemption मिला तब. हमें generator set subsidy मिली. And being a technical graduate, हमें जैसे 25% हमारा होता है, 75% बैंक देता है. तो उस 25% के अंदर भी एक मेजर अमाउंट गवर्नमेंट ने हमें दिया
at the rate of only 1% per annum. After that, that scheme have vanished. Ek bhi scheme jo hai market mein nahi hai. So what he said, he graduated in 1992. And I left corporate and moved to starting my own business in 2015. Now, there's a world of a difference there, right? He was told about what he had to do to get there. I wasn't. And this was the whole Make in India story. Where was the Make in India story here? I wasn't told anything. And we are replicating something from like countries like US, ki wahan pe large scale manufacturing work ki hai, toh Make in India is more about larger companies to come and make in India rather than hamare jaise jo chote chote log hain unko support kare. So India bahut differently work karta hai, matlab itna diverse hai, har jagah alag business model. Make by India hona chahiye, exactly. Humne mudra loan ke liye apply kiya tha Mumbai mein, humko 6 mahine lage the. Hamari machines jo log lete hain unko ek ek saal lag jate hain loan apply karne mein. To ek simple credit scoring ka system agar sare business people jinka bhi GST hai ya registered hai unka kar sake aur projects alag se approve kar sake. So ye 15 din ka process hona chahiye ki agar iska compliant hai aur waise hona chahiye. Sir, isme clarity nahi hai kyunki main aise ek area mein operate karta hu jahan pe hum sirf 6 mahina kaam karte hain, lekin bank finance pure saal ka return bharna hai. Ab bank bhi piche laga hua hai, main government offices ke chakkar kaat raha hu pichle 2 saal se. When you listen to discussion, you listen to TV debates, discussion. Yes. The discussion is always growth. Everybody says India is growing at 7%, 7%, 8%, 7%, 6%. But job ka koi baat nahi kar raha. Nobody is acting on it. So for example, there are 12.5 lakh NPAs. How many of those are coming from small and medium businesses? Zero. So you're funding these guys 12.5 lakh crore, 3.5 lakh crore, karza maaf kar diya, but they're not actually producing jobs. Whereas you're producing jobs and you don't have a rupee to your name. How many jobs did Nirav Modi give India? I don't think he gave much more than 500,000 jobs. Existed in the scam. Yeah, but India gave him 35,000 crores. Yeah. That's, I'm using the name because it's a symptom of what is going on. No, also see where the 35,000 crores came from. It came from people like us policing our vendors to give GST. Obviously, obviously. I think also thinking about how we can give you systematic access to the government system, to the political system. I honestly believe that giving this bunch of people a platform to voice their opinions, or you know, whether they're involved in the political aspect or the governmental aspect, I think that's something which is very important. But shouldn't also one goal be to turn small and medium businesses eventually into big businesses? We can big scale business bhi ban sakte hain agar hamari cheeze bhi streamlined ho, optimized ho. People are not being consulted when policies are no going. Conversation. No conversation. I think the main thing is get the conversation going, and people should feel that belong, that you know, someone is listening to us. We are doing manifesto consultations. We've got teams of people who are speaking to small businesses and farmers and stuff. Can I set up a conversation with you and any other people you'd like to call with some of these people? Please. So you can also tell them some sense of what you've told me. Thank you. Thank you.